नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुलजुन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी में एक भी शेयर होल्ड करते हो तो उस कंपनी को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कंपनी के नेक्स्ट टारगेट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और मेरे से भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पर मैं शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज बनाते रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो बात करते हैं हम लोग सुलजुन एनर्जी के बारे में। इस शेयर का जो करंट प्राइस है आज के दिन 8.30 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा था, और आज के दिन में एक हैवी वॉल्यूम के साथ हम लोग को इस शेयर में 8% तक की गिरावट और 80 पैसे तक की गिरावट देखने के लिए मिली है। पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग को इस शेयर में एक हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यह बेसिकली टारगेट करता है कि शेयर में हम लोग को डाउनफॉल देखने के लिए मिलने वाला है। पिछले 5 दिन के बारे में बात करें तो 8% तक की बढ़त हम लोग को पिछले 5 दिन में देखने के लिए मिली है, और मार्केट काफी स्टेबिलिटी के साथ हम लोग को अपसाइड का ट्रेंड दिखाते हुए देखने के लिए मिला था। और इसके अलावा बात करें 6 महीने के बारे में बात करें तो पिछले 6 महीने में 18% तक की बढ़त और पिछले 1 साल में 14% तक की बढ़त शेयर हम लोग को दिखाते हुए देख चुका है। शेयर हम लोग को 14% तक की बढ़त पिछले 1 साल में दिखा चुका है। सीधे सीधे ग्राफ के ऊपर चलते हैं तो इस शेयर में अभी देखिए आप लोग को पिछले 2 दिन से लगातार आप लोग को दो हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। दिन में देखा जाए तो शेयर में आप लोगों को काफी बड़ी गिरावट हम लोग को पिछले 2 दिन में देखने के लिए मिली है। 5 दिन के रिजल्ट के ऊपर बारे में बात करते हैं तो 5 दिन के रिजल्ट हम लोग को ऑल टाइम हाई अप्रोक्स 10.15 रुपए तक ये शेयर दिखा चुका है। 13 रुपए अप्रोक्स 10 पैसे इस शेयर का पिछले 1 साल का ऑल टाइम हाई था। 13 रुपए 15 पैसे के बाद ये शेयर हम लोग को लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और हो सकता है जो उसका मेरा रेजिस्टेंस बन रहा था 8 रुपए 65 पैसे पर, जिससे हमने पहले भी काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया था, उसको भी इसने ब्रेकआउट दिखा दिया है। और देख ब्रेकआउट देखे तो आज काफ़ी हैवी कैंडल के साथ काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ इस शेयर ने ब्रेकआउट दिखाया है। तो पहला टारगेट रहने वाला जो पहला रेजिस्टेंस लेने वाला है 7.35 रुपए 7.45 रुपए जो पहले भी इस शेयर ने रेजिस्टेंस लिए सपोर्ट लिया था, अगर हो सकता है यहाँ से रिवर्स ट्रेंड देखने के लिए मिल जाता हम लोग को इस शेयर में। लेकिन जिस हिसाब से शेयर ने पिछले 2 दिन से हम लोग को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाए है, गिरावट वाला फेस चल रहा है, तो हो सकता है टारगेट रहने वाला है इस शेयर का 5.35 रुपए, क्योंकि इस शेयर में अगर हम लोग कल के दिन में हैवी कैंडल देखने के लिए मिलती है तो इस शेयर में अभी आप लोगों को काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकते हो। टारगेट रहेगा 5.35 रुपए तक ये शेयर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप लोगों को इस शेयर में एक रिवर्स ट्रेंड जरूर देखने के मिलेगा, और हम लोग बोल सकते हैं इसको एज अ सपोर्ट 5.35 रुपए को एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकता है। उससे पहले इस शेयर में आप लोग कोई भी सपोर्ट बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा, तो बी केयरफुल, इस शेयर में आप लोग को एक हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है, तो शेयर में आप लोग को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का 8,086 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। कंपनी पर कर्जे के बारे में बात करें तो 6,465 करोड़ कंपनी पर कर्जा भी है, और प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, सिर्फ 15.8% तक की प्रमोटर होल्डिंग आप लोग को शेयर में देखने के लिए मिलती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी आफ्टर टैक्स का जो है लॉस में चल रही है, इतना बिल्कुल भी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही। पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल के रिटर्न में कंपनी ठीक ठाक दिया, अप्रोक्स 20% के आसपास कंपनी ने रिटर्न्स दी है, और इस शेयर में आप लोगों को कोई भी डिविडेंड देखने के लिए नहीं मिलता। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार लॉस में ही चल रही थी। अभी रिसेंटली पिछले साल मार्च 2021 में कंपनी प्रॉफिट में आई थी 105 करोड़ के आसपास। इस बार भी कंपनी का देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट है आप लोगों को -200 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है। इसके हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन कर लेते, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी आप लोग देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिक आप लोगों को गिरते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं हुई थी। प्रमोटर्स होल्डिंग का गिरने का मतलब होता है शेयर प्राइस भी अभी आप लोग को और डाउन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्रमोटर्स तभी एग्जिट करते हैं जब उनको पता चलता है कि कंपनी में अभी फ्यूचर स्कोप अच्छा नहीं है, कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, इसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है। क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको कंपनी की हर एक न्यूज़ के बारे में डिटेल आती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो वो बहुत ही सोच समझ के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। FIL के बारे में बात करें तो FIL का स्टेक इस शेयर में काफ़ी अच्छा है, ये एक अच्छी बात है इस शेयर की कि FIL का 5% तक का स्टेक इस शेयर में देखने के लिए मिलता है। FIL होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जो आउट ऑफ द इंडिया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म हो गई, कोई इंडिया से बाहर रहता है जो डॉलर्स में, यूरोज में, रुबेन में, डेयर में, किसी भी कंट्रीज में रह के पैसा इन्वेस्ट करता है, वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। DIL के बारे में बात करते हैं, DIL होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एजेंसी हो गई, उनको हम लोग बोलते हैं DIL यानी कि डोमेस्टिक फर्म से। उनका स्टेक शेयर में काफी अच्छा 18% तक का स्टेक उन्होंने इस शेयर में होल्ड कर रखा है। बाकी पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक का 61% तक का स्टेक इस शेयर में होल्ड कर रखा है।
जो सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है इसके शेयर होल्डिंग में पैटर्न में, वह देखने के लिए मिलता है आपको प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग का इस शेयर में सिर्फ 14% का स्टेक है, जो कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हम लोग को इसमें लगता है, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग होना शेयर में एक अच्छी बात होती है। तो देखा जाए कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसकी बैलेंस शीट पर भी देख लेते हैं। एसेट्स देखा जाए तो एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस आप लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2010 में कंपनी के एसेट्स थे 229,000 करोड़ के आसपास, आज के टाइम में कंपनी के पास सिर्फ एसेट्स रह गए 6,475 का। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी के एसेट्स एक दिन बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और शेयर मार्केटिंग का एक इतिहास है, अगर आप लोग के एसेट्स डाउन जा रहे हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस भी आप लोग को डाउन जाते हुए दिखाई दिया जाएगा। तो शेयर में आप लोग को सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस शेयर में ट्रेड करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जगह आप लोग ईवी सेक्टर में ज़्यादा पैसा आप लोग को मिल सकता है। आप लोग ईवी सेक्टर पैसा डाल सकते हैं, टाटा मोटर्स हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, बहुत सारे शेयर पावर सेक्टर में। अगर आप लोग को इलेक्ट्रिकल सेक्टर में ही जाना तो आप लोग पावर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव एन एनर्जी, सी यू सून। इस वीडियो में जितना कुछ बताया है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों का पैसा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए।